साथियों को मेरा साधक जयवीर नमोबुद्धाय। मैं विजय सिंह कैलाश समाज पार्टी मंडल उपाध्यक्ष अनुरोध हूँ। मैं आज आपको यहाँ पे बस इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज को किस तरह से एक शजर के तहत अनगिनत जातियों में बांटा गया है ताकि हम लोग कभी एकजुट ना हो पाए। साथियों, इस देश में सिर्फ दो विचारधारा चलाई है, तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। पहली विचारधारा है ब्राह्मणवाद और दूसरी है अंबेडकरवाद। ब्राह्मणवाद जो विचारधारा है ये मनुवाद का आधारित है। मनुवाद क्या है? जो मनुस्मृति के पे आधारित है, मनुस्मृति जिसने हमें एक बहुजन समाज को कई जातियों में बांट के रखा हुआ है और उन्हें एक नहीं होने देता। आप लोग ने देखा होगा कि ब्राह्मण जाति में मिश्रा चाहे तिवारी चाहे मुगला या कोई भी है, सब आपस में शादी करते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं, उनमें यूनिटी रहती है। अभी थाने में आप किसी एक ब्राह्मण को कोई गुजर पकड़ जाते हैं ना, उनके छुड़ाने के लिए मिश्रा तिवारी सुगला पुराना निमंडा सब इकट्ठा हो जाएंगे। क्या हमारे समाज में कोई किसी एक जाति के लोग को उठाया जाए तो क्या बाकी जाति को इकट्ठा होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्हें बांटा गया है समाज समाज में जाति का था पासी पासी में खाली करेगा, धोबी धोबी खाली करेगा, जिस तरह से हम लोग खुद ही बटे हुए हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है इस चीजों से अलग हटने की और हम लोग इन सब चीजों से अलग हटेंगे कैसे, हम लोग एकजुट होंगे कैसे, उसके लिए सबसे जरूरी है रोटी बेटी का रिश्ता आपस में रखना, चाहे वो जाति कोई भी हो। इसी हम लोगों को इसकी तरफ जाना है। अम्बेडकर वाद की आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होता है, हमारे घर के अम्बेडकर हमारे किस तरह जरूरी है, क्यों जरूरी है,